नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, शांति निकेतन शिक्षण संकुल में तमारू हार्दिक स्वागत छे। आज आप धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज्य की नींव, लेखक छे विष्णु प्रभाकर। तो आप इमना विषय आज जोईशु। स्वराज्य की नींव मतलब स्वराज्य एटले के पोतानू राज्य, नींव एटले के पायो, જે સ્વરાજ્યનો પાયો નાખનાર એના વિશે આજે આપણે જોઈશું। તો લેખક છે વિષ્ણુ પ્રભાકર। વિષ્ણુ પ્રભાકર કા જન્મ મુઝફ્ફરપુર જિલ્લે કે મિરનપુર ગાંવ મે હુઆ થા। ઉન્હોને પ્રારંભિક શિક્ષા અપને ગાંવ મે ઓર ઉચ્ચ શિક્ષા હિસાર મે પ્રાપ્ત કી થી। કઈ વર્ષો તક પંજાબ સરકાર કી સેવા કરને કે બાદ સન 1974 સે યે દિલ્હી આ ગઈ ઓર તબ સે दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि, ये उनके कई उपन्यास लेखक लिखने थे। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक वे पद पर काम किए। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव, इन्हें आप प्रथम स्वातंत्र 1857 जारी विप्लव थे, तो इंदर राणी लक्ष्मीबाई जो संघर्ष करूँ एनु आखू वर्णन बतायू, एम स्त्रीओ के भूमिका भजवी है, एमने मतलब कि स्वराज्य की नींव मतलब कि पत्थर જે આપણે જે પાયાનો જે પથ્થર કહેવામાં આવે, શરૂઆતનું જે કરવામાં આવે છે, એમાં એમની મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી છે, એમાં સ્ત્રીઓનો કેટલો મહત્ત્વનો ફાળો છે એ પણ આ પાઠની અંદર દેખવા મળે છે। તો જોઈએ આપણે આની અંદર કયા કયા પાત્રો ભાગ ભજવ્યો છે। તો લક્ષ્મીબાઈ, મુંદર, તાત્યામ, જુહી, રઘુનાથરાવ અને સેનાનાયક। તો જોઈએ આપણે એક નાટક છે અને નાટકના સ્વરૂપમાં આપણે એમના જે પ્રવચન મતલબ કે જે એમને સંવાદ કર્યા છે એના વિશે આપણે જોઈશું। તો રંગમંચ પર યુદ્ધ ભૂમિકા દ્રશ્ય અંકિત કિયા જા સકતા હૈ, કે રંગમંચ મતલબ કે મેજ ઉપર, સ્ટેજ ઉપર એક દ્રશ્ય મતલબ કે રંગ યુદ્ધ ભૂમિનું દ્રશ્ય દેખવા મળે છે। કેમ્પ કહીં પાસી લગા હુઆ મતલબ કે જે તંબુ છે એ નજીક જ લાગેલો છે। મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ કે તંબુ કા એક ભાઈ દેખાય, એક ભાગ દેખાઈ દેતા હૈ, કે મહારાણી જે લક્ષ્મીબાઈ છે એમનો એક ભાગ દેખવા મળે છે। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में, ये ऊपर दो खुले छीले रानी लक्ष्मीबाई अने एमनी दासी मुंदर बन्ने सखी मतलब एनी बहनपणी बन्ने त्यां उत्तेज मतलब कि अवस्थानी अंदर युद्ध मैदान में जेम जता हो ए रीते पोते शणगार सजीने आवे छे। हवे एमनो संवाद शुरू थाय छे, जोईए। तो लक्ष्मीबाई कहे छे, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, काल्पी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती। रानी लक्ष्मीबाई कहे कि जोता जोता शू थी गयु जूही, के झांसी, काल्पी आ बदा राज्यों नगरों से बधा एम के मंजिल लक्ष्य नजीक होवा छता पण आपणाथी केम दूर न दूर देखाय छे।
स्वराज्य को जाते आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। इनके स्वराज्य आपणू राज्य, स्वराज्य लेके आपणू राज्य आपणे मळता देखाय छे, परंतु हिमालय जेवो वचमां आवीने उभो रही जाए, पहाड़ जेवो उभो रही जाए छे, एवुं केम देखाय छे? उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावने लहरें थप्पड़े मारने लगती हूँ, मतलब कि इन्हें दूर करवानो प्रयत्न करूँ। जाने महासागर उमटी उमटी ने आपणी समक्ष आवे छे, मतलब कि मोजा आपणी समक्ष पर आवे छे, जेम के डरावना मोजा आपणी तरफ आवी रह्या छे, एवुं केम लागे छे? उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, इन सामे लड़वानो प्रयत्न करो। जूझती मतलब कि लड़वानो सामनो करवा माटे तैयार थाओ छो, तारे नाविक जाने होड़ी चलावनार थाकी गया छे, ऊंघी गया छे, एवुं केम लागे छे? देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो, क्षितिज मतलब के धरती और आकाश दोनों की, जहाँ क्षितिज कहते हैं हम जहाँ मिलन जैसी लगती है उसको क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपेटे उठ रही है, सारा आकाश धूम घटाओं में छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। ये अपने प्रलय एक विनाशकारी मोजा उछड़ी रहा है, तेम छता राव साहेब रक्त मंडल की छाया में मतलब कि ऐसो आराम की अंदर मशगूल छे, इमने कशीज पड़ी नथी। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है, एकदम गुस्सा मत है जैसे तरत पाछी चुप थे जाए। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, मैंने जूही कहीं कहवा जाए छे त्याज फरीथी पाछा महारानी रानी लक्ष्मी बोली उठे छे, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। मैं एवं विचार जो मैं सौगन ली दिली कि मारा जीवते जी हूँ मारी झांसी मतलब मारू नगर छे हूँ अंग्रेजों हाथ में आपीस नहीं, पण जो हाथ में निकलती गई हो एवं लागी रही छे। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर એમાં શું, હું ભલે એકલી જ છું, ભલે સ્ત્રી છું, પણ હું ઝાંસીને લઈને જ છંપીશ। જૂહી કહે છે કોણ કહેતા હૈ આપ અકેલી હૈ મહારાણી, કોણ કહે છે કે મહારાણી તમે એકલા છો, આપ તો ગીતા પડતી હૈ ફિર ભી યે નિરાશા કહે છે। જૂહી રાણી લક્ષ્મીબાઈને આશ્વાસન સાંત્વના આપે છે કે મહારાણી કોણ કહે છે તમે એકલા છો, કે તમે તો ગીતાનું પઠન કરો છો, તમે ગીતા વાંચો છો, તમે આવી નિરાશા હતાશા કેમ લાવો છો? લક્ષ્મીબાઈ मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे हूँ निराश हताश नहीं थती जूही, पर हूँ जानू छू कि हूँ झांसी लईने रहीश, पर तू जाने से कि बाबा गंगादास ने ए दिवसे आपने सूखी दूधू, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता है। लेकिन अपने ऊंच नीच छूत अछूत नो अपने भेद ज्यार सुधी आपड़े भूलाईशू नहीं मिटाईशू नहीं त्या सुधी आपड़े आपड़ा स्वराज्य मळशे नहीं, और वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से। अने मळशे तो अपने सेवा करीशू तपस्या करीशू संघर्ष करीशू त्यारे आपणे ए आपणे स्वराज्य प्राप्त थशे। जूही कहे छे कि लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर हैं स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। महारानी तमे केम भूली जाओ छो कि एमने बाबा गंगादास ए पण कीधुं हतुं कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य प्राप्ति करता पण विशेष स्वराज्य की स्थापना के लिए स्वराज्य की स्थापना करवा माटे आपणे नीव का पत्थर बनना है। आपणे भूमि तो छे ज, आपणे एने पत्थर स्वराज्य मेळवा माटे आपणे पायो रचवानो छे, आपणे एनो पत्थर बनवानो छे। सफलता और असफलता देव के हाथ में, सफल थव के असफल थव ए देवों हाथ में छे, लेकिन नीव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। पर नीव मतलब के પાયાની ઈંટ બનવું આવાયાનો પથ્થર બનવું એ આપણા હાથમાં છે, એમાં આપણને કોઈ રોકી શકશે નહીં, એને આપણી ફરજ છે। લક્ષ્મીબાઈ મુસ્કુરાકર સાબાસ મેરી કર્નલ, કે મુસ્કુરાકર હસીને કે સાબાસ તને ધન્યવાદ આપું છું, અને કે કર્નલ તુમ લોકો સે હી મુજે યહી આશા હૈ, કે ફૌજની તું લશ્કરની મેઇન અધિકારી છે, તને આવા તમારા માલ લોકોથી જ મને આવી આશાઓ છે। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। रानी लक्ष्मीबाई जूही ने कहे कि शाबाश तुम्हारा जेवाज
સ્વરાજની નીવ માટે જે સ્ત્રીઓ તૈયાર થાય છે એ ભલે આપણને સ્વરાજ મળે પણ એના માટે નિશ્ચય ચોક્કસ એ મહાન હશે। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। राणी लक्ष्मीबाई कहे छे कि आपला जीवन अंदर ये सफल थईशू के शू, पण आपणी पासे ताकत छे शक्ति छे तेम छता आपणे दुर्बल अशक्त केम छे। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं। કે આપણી પાસે તાત્યા જેવા સેનાપતિ એમ બા હોશિયાર કાબેલ એવા સેનાપતિ તાત્યા પણ છે પણ અનુશાસન રીત પદ્ધતિસરનું કામકાજ નથી। હમારે પાસ ગ્વાલિયર કા કિલ્લા હૈ ફિર ભી હમ કુછ નહીં કર પા રહે ક્યો જાણતી હો ક્યો જાણે છે કેમ કે આપણી પાસે ગ્વાલિયરનો કિલ્લો છે તેમ છતાં આપણે કશું જ કરી શકતા નથી જાણે છે કેમ જુહી જાણતી હું મહારાણી હમ વિલાસિતામે ડૂબ ગયે હૈ અમે આપણે વિલાસતાન કે ભોગ વિલાસ વૈભવની અંદર આપણે બધા ડૂબી ગયેલા છીએ। તભી મુસ્કુરાતી હોઈ મુંદર વહાં પ્રવેશ કરતી હૈ એક બીજી એની સખી રાણી લક્ષ્મીબાઈ જહી દાસી પ્રવેશ કરે છે નામ મુંદર છે એ પણ અંદર પ્રવેશ કરે છે। મુંદર આવીને કહે છે કોણ કહેતા હૈ કે હમ વિલાસિતામાં ડૂબ ગયે કોણ કહે છે કે આપણે ભોગ વિલાસ વૈભવમાં આપણે ડૂબી ગયા છીએ। વિલાસિતામાં ડૂબે હૈ રાવ સાહેબ બાંદા કે નવાબ ઓર સેનાપતિ તાત્યા इनके भोग विलास अंदर डूबेला है। इनके राव साहब बांदा एट बाजूना नगर नवाब साहेब अने सेनापति तात्या आ बदा भोग विलास में डूबेला है आपणे नहीं। जूही सहसा एकाएक बोली उठे छे नहीं मुंदर सेनापति नहीं। इनके नहीं मुंदर सेनापति तात्या एमां नथी एम के मुंदर मुस्कुराते हसे छे ओ समझी तुम तो उनका पक्ष लोगी ही ओ समझी गए इनके तू तो इनके सेनापतिनो पक्ष लई सच। जूही दृढ़ स्वर में एकदम मजबूत स्वर में मैं उसका पक्ष नहीं लेती लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाना छिपाया नहीं जा सकता। हूँ इन्हें पक्ष लेती नहीं पर जो सत्य है एनो के जो तथ्य जो साचू है इन्हें कुछ छुपाव न जुए। सरदार तात्या राज साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं कि सरदार तात्या સરદાર ને તાત્યા એમ કે રાવ સાહેબ ને શું માને છે તન મન એમ કે શરીરનો અને મનનો બધાનો સ્વામી માલિક માને છે। મુંદર ઓર તુમ ઉનકો અપના સ્વામી માનતી હો મુંદર જુહીને કહે છે કે તું એમ કે તાત્યાને તારો સ્વામી માને છે જુહી હા મેં ઉનકો અપના સ્વામી માનતી હું હા એમ કે હું તાત્યાને મારો સ્વામી માનું છું ઓર માનતી રહુંગી અને માનતી રહીશ લેકિન પરંતુ ઉનકે ભી અધિક મેં ઉનસે ભી અધિક મેં મહારાણી કો અપના સ્વામી માનતી અને એનાથી વિશેષ આપણા મહારાણીને મારો સ્વામી મારો માલિક સમજું છું ઓર મહારાણી સે બટકર મેં અપને દેશ કો અપના સ્વામી માનતી અને મહારાણીથી પણ વિશેષ હું મારા દેશ પ્રેમને વિશેષ મહત્વ આપું છું એનો હું માલિક માનું છું। દેશ કે લીએ મેં સરદાર કો ભી ઠુકરા સકતી હું ઠુકરા ચૂકી અને દેશ માટે હું તાત્યા જેવા સરદારોને પણ ઠુકરાવી મતલબ કે લાત મારી શકું છું ને ઠુકરાવી ચૂકેલી છું પણ। લક્ષ્મીભાઈ જુહીને ઉન્હે રોકા હે મુંદર કે જુહીએ એને રોક્યો છે મુંદર મેં જાણતી હું જબ રાવ સાહેબ કે કહેને પર તાત્યા ઇસે નાચને કે લીએ બુલાને કો આયે થે તો ઇસને ઉનકો બુરી તરહ દુત્કાર દિયા થા કે જ્યારે રાવ સાહેબે કીધું હતું કે જુહીને નાચવા માટે જ્યારે તાત્યા બોલાવવા આવ્યા હતા ત્યારે એને બુરી તરહ ખરાબ રીતે મેં ધતકારીને કાઢી મૂક્યા હતા। જુહી હા રાણી મેં સ્વરાજ્ય કે લીએ નાચ સકતી હું બરાબર નાચતી રહું પરંતુ વિલાસ સીતામે ડૂબને કે લીએ અપની કલા કો કિસી કે ગલે કી ફાંસી નહીં બના સકતી એમ કે ભોગ વિલાસ માટે વૈભવ માટે હું કોઈની સામે નાચી ન શકું ભલે દેશ માટે નાચી શકીશ મારા સ્વરાજ્ય માટે નાચીશ બરાબર એમ કે ખૂબ નાચીશ પરંતુ વૈભવ માટે ભોગ વિલાસ માટે હું કોઈની સામે મારી કલાનું પ્રદર્શન નહીં કરું ઓર ગલે કી ફાંસી નહીં બના શકતી ઓર કલા કો મતલબ મારી કલાને હું એને ફાંસીનો ફંદો બનાવી શકીશ નહીં જો મુજસે કો એસા કરને કે લીએ કહેતે હૈ ઉનકો મેં ઠોકર હી માર શકતી હું અને જે મને કહેવા માટે કહેશે એને હું ઠોકર લાત મારી શકીશ। લક્ષ્મીબાઈ દીર્ઘ નિશ્વાસ લેકર ઊંડો શ્વાસ લે છે ઠોકર હી તો નહીં માર શકતી જોઈએ કે આપણે ઠોકર મતલબ કે એમને હાલાતમાંથી આપણે એમને કાઢી તો શકતા નથી આપણે એનમાં છોડી તો શકતા નથી યહી દર્દ તો હમે કચોટ રહ્યા હૈ અને આ જ દર્દ આપણને દુઃખી કરી રહ્યો છે
अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। मदहोशी, मदहोश मतलब कि जे नशामां मग्न छे, जो आपणे ठोकर मारीने जो आपणे दूर करी सकता तो एनी वात ज छूटे। जुए भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जो ही कहे छे कि भाई साहब, राणी लक्ष्मीबाई ने कहे छे कि बीजाने तो हूँ वात नहीं करती, परंतु मने आज्ञा आदेश आपो कि हूँ तो ठोकर मारवा तैयार छूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। मुंदर कहे छे, हूँ पण तैयार छूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। मुंदर कहे छे, चलो आपणे बधा एक मळीने एमनी आपणी नींद हराम करी नाखीए, एमने पण जगाड़ी। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। कि नहीं मुंदर, आपणे एमने नींद ऊँघमांथी नथी जगाड़वा, हवे दुश्मनो ज्यारे आक्रमण करशे त्यारे ज एमनी ऊँघ हराम नींदमांथी जागशे। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही हैं? कह रहे हैं कि जो ही दुश्मन ने ठोकर, कि दुश्मन उनके ठोकर मार से आप तमें शू कहो छो? लक्ष्मीबाई, हाँ जो ही दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्योंकि दुश्मन मतलब कि दोस्त ने जे दोस्त की ठोकर जो आपने ठोकर मारी तो अपने अपना ऊपर अविश्वास छे, इन्हें खाई मतलब कि ऊंडी खाई अने चौड़े लांबी पण करी नाखशे, मोटू पण करी नाखशे। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? के तू नहीं जानती जो ही कि आपने कहीं जो करीशु ठोकर मारीशु तो आपड़ा ऊपर अविश्वास तो थशे, अने आवी परिस्थिति में जो आपड़े आवुं करीशु तो आपड़ा ऊपर शक वधारे ऊंडो गहरो थशे। मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाए अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास में उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। कि भाई साहब इनके साचू कहे छे कि शंका जो करीशु तो आपणा ऊपर अविश्वास थशे अने अविश्वास आपणे हताश करशे अने ए हताशाने दूर करवा माटे पायल की झंकार मतलब कि पाछी झंकार शुरू थशे। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। जे श्रीखंड अने जे ब्राह्मणों ने जे लाडुआ खवड़ावे छे ए इमना आशीर्वाद पाछा इमना स्वर और जोरथी पाछा बोली उठशे। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है अने एकाएक एवं मतलब दूर तोपनो आवाज आवे छे। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कर। एम के जूही, लक्ष्मीबाई जूही ने आदेश आपे छे कि जो तात्या ने क्यांथी इनके शोधी ने लाती हो तो तरत अहीं आवा माटे इन्हें आमंत्रण आप।